ठीक है, आप जूम करके पॉज करके जूम करके देख सकते हो, अगर आपको दिख जाए तो कमेंट करना। हाँ, लेकिन मतलब बारिश में आने में मजा आ रहा है, हवा एवरीथिंग इज वेरी गुड, बट हमें बोट नहीं दिख रहा एक्चुअली। बहुत ही तेज ऐसा लग रहा है, चाटा मार रहे हैं भगवान, इतनी बारिश आ रही है, बहुत बारिश पड़ गई। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली बहुत टाइम के बाद हम व्लॉग कर रहे हैं आज, और हम हैं आज लोनावाला में। दिस इज़ डे टू। डे वन हमारा बहुत ही भंगार, बहुत ही ख़राब गया है, बट आज है डे टू और आज हम लोग जाने वाले हैं कहाँ पे? एक सेकेंड, आप अंजलि से मिल लीजिए क्योंकि उसने पूरा प्लान किया है। तो हाय गाइस, तो हमारा आज का प्लान है कि हम लोग पहले लोहगढ़ फोर्ट जाएंगे, फिर कार्ला केव्स जाएंगे, और फिर बी से नाम था क्या था, भस्कर भुस्कर कुछ बहुत से नाम था, तो वो आपको जब ब्लॉग में जाएंगे तभी बताएंगे। तो फाइनली आधे घंटे की राइड के बाद बहुत ही सीनिक और ब्यूटीफुल राइड थी, एज यू ऑलरेडी सीन इन द वीडियो। बहुत ही ज्यादा ग्रीन थी और बहुत ही मस्त वाइब थी, मतलब जैसे हिल स्टेशन में वाइब मिलती है ऐसी वाइब थी। फाइनली लोहगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं और चलते ऊपर को 300-400 सीढ़ियां हैं। यहाँ से एंट्री गेट है जो अभी आपने देखा, वहाँ से 50 रुपीज दो लोगों की, मतलब 25 रुपये। क्या बोला था? क्या नहीं है कुछ भी, मुझे लगा टिकट नहीं है, पर 25 रुपये टिकट है, और उसने हाँ मराठी में कुछ बोला, मुझे लगा 1500 रुपये मांग रहा है। 1500? हाँ सच, मैं भी वापस चला जाता। अच्छा, और ड्रोन लेके नहीं आई, एक तो बारिश है, दूसरा यहाँ ड्रोन भी अलाउड नहीं है, पर सीन और व्यू बहुत ही अमेजिंग है। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के आना, हो सके तो शॉर्ट्स पहन के आना ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, जीन्स है फिर अभी मत पहन के। फोर्ट चढ़ने का, अभी आधे में चढ़ के बोल रहे अब दो ही चढ़ना है, तीसरा नहीं चढ़ना। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, दोनों सेम ही है एक्चुअली। वो बोल रहा था मैं ड्राइवर कि दो ही चढ़ पाओगे, तीन नहीं चढ़ पाओगे। नहीं, चढ़ तो हम कहीं भी लेते हैं, वैष्णो देवी चढ़ के आई तो क्या हो गया, आई एम वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो तीनों चढ़ना है? नहीं, हो गया ना। धीरे धीरे बारिश स्टार्ट होगी, हमने पहन लिया रेनकोट और रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है भाई, पत्थरों पे पैर रख रख के जा रहे हैं, पर मौसम देखिए कितना मस्त है। कल तो पैंट पहननी है, बारिश लगी है। नहीं नहीं, ये सही है। कहते ये बता की तरह क्यों कर रहे हैं? मैंने जितना भी फैशन शो करने के लिए कपड़े पहने थे किसी काम के नहीं। हाँ, तो उसने पहले ही बोला था रेनकोट में कलर सिलेक्ट कर लो। मैं रेन क्योंकि इसमें तो नहीं पहन पाओगे। अच्छा, मैंने येलो सिलेक्ट नहीं किया, उसमें कुछ भी रैंडम सिलेक्ट करने वाली थी। हाँ भाई, बहुत मस्त बारिश है, बहुत। क्या आधा ही हो, आधा बाकी है। कितना मस्त मौसम है यार, वो जूनागढ़ वाली याद है, और बीच बीच में वाटरफॉल भी, वाटरफॉल भी भाई, छोटे छोटे, बट व्यू बहुत मस्त है। चश्मा यूजलेस है तो आप ऑलमोस्ट अंधे हैं।
बोला या क्या देखे था? मैं बहुत कंफ्यूज स्टेट में हूँ। फॉग कैसा तो दिख नहीं रहा है। कुछ थोड़ा सा वेदर क्लियर, इतनी हवा चल रही है क्योंकि यहाँ पे डैम भी दिखता है पारना इवन, बट वो तो भूल ही जाओ। अरे नीचे ताला भी है। आप जूम करके पॉज करके जूम करके देख सकते हो, अगर आपको दिख जाए तो कमेंट करना। हाँ, लेकिन मतलब बारिश में आने में मजा आ रहा है, हवा ने एवरीथिंग इज वेरी गुड, बट हमें बोट नहीं दिख रहा है एक्चुअली। मस्त पता भी नहीं यहां है यहां का। वो न्यूज़ रिपोर्टर की तरह देखिए 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 क्या हुआ, ऐसे की बैठी है लाश की तरह। हम जब नीचे उतरे तो व्यू बहुत क्लीन लग रहा है, ऊपर तो कुछ दिखा ही नहीं था। ऊपर तो ऐसा लगा स्वर्ग में पहुंच गए ना। स्वर्ग में पहुंच गए हैं, बस अप्सराएं बाकी थी। अप्सरा भी घूम तो रही थी। मैं थी अप्सरा। हां, तू सबसे बड़ी अप्सरा। मैं मेन तो एकदम जादूगर केलाल केलाल लग रही। मेरे पास जादू नहीं दिखाने के लिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ऐसा ऐसा करके उड़ जाना गाड़ी। काश मैं ऐसा कर सकती तो मैं अभी घर पहुंच जाती। बहुत सैड है तू, पता नहीं क्यों। सैड नहीं हूँ मैं थक गया, थक जाता हूँ मैं एवरी टाइम। और तू ही सिलेक्ट करता है ऐसी चीज़ें घूमने के लिए। मैंने ही सिलेक्ट किया था, वरना ये तो पता टुच्चे पुच्चे पॉइंट दिख रहे। तो वहाँ से हम लोग आ चुके हैं भाजा केव। बहुत ही मस्त रास्ता था और यहाँ से काफ़ी लोग चल के जा रहे थे, मतलब भाजा केव आते भाजा को चल के ऊपर जाते हैं और वहाँ से जो फोर्ट है वो फोर्ट तक चल के जाते हैं। एंड लुक एट द वेदर, ये सामने फोर्ट है, मे भी आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये भाजा केव के लिए यहाँ से रास्ता है, सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर भाजा केव से, और ये सामने एक वाटरफॉल है। अभी ऊपर भाजा केव चलते हैं, फिर वहाँ पर रिटर्न में जब आएंगे तब वाटरफॉल देखते हैं। बहुत ही ज्यादा बारिश है भाई, सामने से आ रही है और सामने से आ रही है, और हम होप कर रहे हैं कि यहाँ कुछ व्यू दिख जाए हमको। मुंह पे चाटे मार रही है बारिश, चाटे ऐसी बारिश आ रही है। पर अच्छा चाटे मार रहा है मेरे को। शूज पहन के आओ, रेनकोट पहन के आओ, लाइफ सही है। और हम लोग यहाँ सोच रहे थे ड्रोन उड़ाएंगे और सब कुछ पैक करके आओ, कुछ लेने आने की जरूरत है। हम लोग सोच रहे थे यार ड्रोन लेके आए, ड्रोन उड़ाएंगे भाई, ड्रोन वापस चलाता हमारा, ड्रोन दहन दबा जलाता हमारा, ऐसा लग रहा है। जिस हिसाब से तेरी सिचुएशन है ऐसा लग रहा है अब नीचे से तो खबर ही आएगी। तो क्या है, कब से कैमरा ऑन करो, बस ये लिए जा रही हो तब लोगों को लग रहा है हम ग्रीन स्क्रीन करके फेक कर रहे हैं ये सब। अरे लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जब भी कैमरा ऑन करूँ मुझे उबासी आ रही है, मुझे पूरी लेनी भी नहीं देना है, ये लेनी भी नहीं दे रहा है। ले 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 ले, ऑन कैमरा ले ले रहा है। नीचे आते हुए हर बंदे से पूछ रही भैया कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, आते ही क्यों तुम लोग यहाँ पे। ऐसा नहीं है, हमको पता होना चाहिए ना सिचुएशन के बारे में, आगे कितना चलना है। पता ऐसा गोल मतलब क्यों लग रहा है एकदम। ऐसा लग रहा है बंदर चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है पेंगुइन चल रहा है। हाँ पेंगुइन चल रहा है, और कौन कलर का। हाँ सच में ऐसा लग रहा है पेंगुइन चल रहा है। पीछे आपको जो है टिकट विंडो मिलेगी, वहाँ पे 25 rupees पर पर्सन यहाँ पे भी टिकट है, जैसे वो फोर्ट में थी। ठीक है, वैलिड है, आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट के अंडर में ये साइट आती है। और यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियाँ भी है, वहाँ की तरह नहीं आधी साइड पे सीढ़ियाँ आधी पे नहीं है, प्रॉपर सीढ़ियाँ लास्ट तक। और रिस्की है एक्चुअली हल्का सा। हाँ क्योंकि पत्थर भी है काफ़ी जगह पे ना, तो आपको संभल संभल के चलना पड़ेगा।
हिस्ट्री हमें ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं है क्योंकि और लिखा भी नहीं है, पर आपने जो अभी वो गोल गोल बने हुए देखे वो बुद्धिस्ट लोग यूज़ करते थे, स्तूपा बोलते और पूजा करते थे, और सबसे बड़ा जो पहला आपने देखा वो सबसे बड़ा है, और वहाँ पे सारे मतलब जो सारे के सारे बच्चे या जो जिन्होंने दीक्षा ली होती थी वो सारे वहाँ पूजा करते थे, वो सबसे बड़ा है। और आगे हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे क्या कमरे है बने हुए रहने के लिए, वो साधना साधना करते थे, और फिर एक वाटरफॉल भी। ये कुछ कमरे जैसा अंदर ना जहाँ पे ये लोग पूजा करते थे, और यहाँ पे भी बने हुए साइड में। ऐसा लग रहा है 2-3 महीने का साथ में नहा लिया हमने, और ऐसा लग रहा है मेरी सारी फोटोज रेनकोट में ही आएंगी। कोई फायदा नहीं मेरे कपड़े पहन के आने का। तो फिर चले सारी सेल्फीज ली, फिर मैं सोच रही हूँ क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं सोच रही हूँ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रेनकोट में फोटो आ रही है। और फिर भी लोग बहुत मजे से, आई थिंक मुझे लगता है मुझे 2-3 रेनकोट ले लेने चाहिए कपड़ों की बजाय, थोड़ा कलरफुल तो होता है एटलीस्ट। हाँ तो अभी कुछ नहीं, कल का दिन है, येलो और रेड ले लेना। इसलिए वो मुझे बोला था, कहा कहा एक काम कर वहाँ ले लो, वहाँ ले लो। इसलिए वो मुझे पूछ रहा था बंदा कलर चूज कर, कलर क्या चूज करना है रेनकोट में, आई थिंक 2-3 लेने चाहिए थे मुझे। कल एक अलग ले लेंगे,